हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम कमाल की पहेलियां देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है नोस्टा प्रो ऐप ने, जिसमें आप सिंपल प्रेडिक्शंस करके पैसे कमा सकते हैं और जीते हुए पैसे आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें दिए गए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे कई गेम्स के बारे में प्रेडिक्शंस करना है, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन कितने रन्स बनाएगा। इसमें आप पावर अप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो केबीसी के लाइफलाइन की तरह काम करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नोस्टा प्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए। सोनम संडे को अकेले ही घूमने चली जाती है। वो घूमते घूमते एक खूबसूरत जगह पर पहुंचती है। वहां सामने उसे खूबसूरत पहाड़ियां दिख रही थी। वो उन पहाड़ियों को देख ही रही थी कि तभी उस पहाड़ी पे बिजली गिरती है और 3 सेकंड्स के बाद उसकी आवाज आती है। सोनम सोचने लगती है कि वो पहाड़ियां उससे कितनी दूर होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि सामने वाली पहाड़ियां सोनम से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर? अपना दिमाग लगाइए और आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोनम से वो पहाड़ियां करीबन 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बिजली गिरने के 3 सेकंड्स बाद बिजली की आवाज आती है और आवाज करीबन 340 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो इस हिसाब से 3 × 340 = 1020 मीटर, यानी कि करीबन 1 किलोमीटर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये है रामलाल, जो एक ट्रैफिक पुलिस की जॉब करता है। वो एक रोड पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी उसको 3 लोग आते हुए दिखे। उसमें से एक डॉक्टर था जो कार चला रहा था, दूसरा इंजीनियर था जो बाइक लेके आया था, और तीसरा स्टूडेंट था जो साइकिल पे था। तो क्या आप बता सकते हैं कि रामलाल इन तीनों में से किसे रोकेगा और किसका चालान काटेगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस रामलाल इन तीनों का चालान काटेगा, क्योंकि कार वाले डॉक्टर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और बाइक वाले इंजीनियर ने हेलमेट नहीं पहना है, और ये साइकिल पे जाने वाला स्टूडेंट रॉन्ग साइड पे साइकिल चला रहा है, इसीलिए रामलाल सबका चालान काटेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चिंटू अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा, मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए। चिंटू के पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें नया स्मार्टफोन दिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये बताना होगा कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस फोटो में ये गड़बड़ है कि ये लड़की जो इस टेबल पे बैठी है, उसके पैर ही नहीं है। चिंटू इसका सही आंसर दे देता है और उसके पापा उसको नया स्मार्टफोन खरीद कर देते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मोटालाल चाय नाश्ता करके अपनी दुकान जाने के लिए निकलता है। वो बस स्टॉप पे बस का इंतजार करता है। काफी समय वेट करने के बाद भी बस नहीं आती है। तभी मोटालाल को कोई धक्का मारता है और मोटालाल रोड पे गिर जाता है। मोटालाल गुस्से में आ जाता है और आगे जाके देखता है तो उसे 4 बच्चे वहां खड़े हुए दिखते हैं। मोटालाल उन चारों से पूछता है कि तुम चारों में से किसने मुझे धक्का मारा? सच सच बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चारों कहते हैं कि हम में से किसी ने भी आपको धक्का नहीं मारा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से मोटालाल को धक्का किसने मारा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोटालाल को धक्का दूसरे नंबर वाले बच्चे ने मारा है, क्योंकि अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो जूते और पैंट मोटालाल को धक्का मारने वाले बच्चे ने पहने थे, वही जूते और पैंट ये दूसरे नंबर वाले बच्चे ने पहने हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। खुशबू जब कॉलेज से घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर से टीवी की चोरी हो जाती है। खुशबू पुलिस को बुलाती है। पुलिस खुशबू के घर आती है
और खुशबू से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है। खुशबू कहती है कि मुझे मेरे पड़ोसियों पर शक है। पुलिस सभी पड़ोसियों को बुलाती है और उन सभी से पूछताछ करती है कि आप सभी आज पूरे दिन कहाँ थे। राजीव, मैं टीचर हूँ इसलिए मैं पूरे दिन स्कूल में था। मानसी, मैं बैंक में जॉब करती हूँ इसलिए मैं पूरे दिन बैंक में ही थी। संकेत, मैं तो पूरे दिन घर पे ही था और सो रहा था। पुलिस ने सभी के बयानों को सुना फिर भी पता नहीं लगा पाए कि टीवी की चोरी किसने की है। पुलिस चोर को पकड़े बिना ही वहां से चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, खुशबू नया टीवी खरीद लेंगी। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि पुलिस ने सभी पड़ोसियों से पूछताछ की लेकिन पुलिस ने इस ब्लू टी शर्ट वाले आदमी से पूछताछ क्यों नहीं की। आपका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पुलिस ने इस आदमी से पूछताछ इसलिए नहीं की क्योंकि पुलिस को वो आदमी दिखा ही नहीं, क्योंकि वो आदमी भूत है। बाकी सभी लोगों का रिफ्लेक्शन पीछे मिरर में दिख रहा है सिवाय इस आदमी के। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कई दिनों से झगड़े चल रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान हो गए थे। दोनों सुसाइड करने का सोचते हैं। दोनों ही रेल की पटरी पे जाके लेट जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन मरेगा? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, तो अपना दिमाग लगाइए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हस्बैंड और वाइफ में से हस्बैंड मरेगा और वाइफ बच जाएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो वाइफ जिस पटरी पे लेटी है उस पर जंग लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस पटरी से ट्रेन कभी गुजरती ही नहीं है, इसलिए वाइफ बच जाएगी। और हस्बैंड जिस पटरी पे लेटा है वो पटरी काफी घिसी हुई और चमकदार दिख रही है, इसलिए उस पटरी पर कभी भी ट्रेन आ सकती है और हस्बैंड को कुचल सकती है, इसीलिए हस्बैंड ही मरेगा। तो थी ना ये बहुत ही कमाल की पहेली। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक और नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।